योगेश्वर में खुले आम शराब पिए पड़े पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है को भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं रामायण पर कसम, अपने रामचरित मानस के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अगर जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनका अल्कोहलिक टेस्ट करा लिया जाए, अगर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दारू नहीं पिया, मैं अल्कोहलिक टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा के थप्पड़ कांड में कंटाप जड़ने वाले अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह ने दावा किया था कि सदर विधायक योगेश वर्मा शराब के नशे में थे। वहीं अब विधायक योगेश वर्मा ने भी रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम खा ली है कि मैंने नशा नहीं किया हुआ था, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह और सदर विधायक योगेश वर्मा में कहासुनी हुई। बार संघ अध्यक्ष अवधेश ने विधायक पक्ष पर मतदाता सूची फाड़ने का आरोप लगाया। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और अवधेश सिंह ने भाजपा विधायक को पुलिस वालों के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा कहती नजर आई, तुम्हारे योगेश वर्मा खुले आम शराब पिए पड़े पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुले आम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त की सीमा है, सीमा इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी, अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए, अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। वहीं इस सवाल के जवाब में भाजपा विधायक योगेश वर्मा हाथ में रामचरितमानस लेकर कसम खाते नजर आए। मैं हमेशा नवरात्र के 9 व्रत रहता हूँ और 9 व्रत के साथ में अगर कोई व्यक्ति, आप लोग देख ही रहोगे कि मैं दारू पिए हूँ। उनका आरोप है कि शराब के नशे में थे और मैं तो चाहता हूँ कि मैं रामायण पर कसम, अपने रामचरितमानस के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अगर जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनका अल्कोहलिक टेस्ट करा लिया जाए, अगर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दारू नहीं पिया, मैं अल्कोहलिक टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर शहर छोड़ दूंगी तो उनको चाहिए लखीमपुर शहर छोड़। बहरहाल भाजपा विधायक पर थप्पड़ कांड के बाद आईजी रेंज को जांच के लिए भेजा गया। साथ ही विधायक को सीएम योगी ने देर शाम फौरन लखनऊ बुलाया। इससे पहले फोन पर बात भी हुई, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। अब ये हमारी जो संगठन के लोग हम जो दिशा निर्देश देंगे। तो कुल मिलाकर विधायक पर हमला क्यों किया गया? क्या वाकई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में धांधली की जा रही थी? आखिर पूरे मामले की क्या सच्चाई है, ये तो अब जांच के बाद ही सामने आएगा। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।